आपको 100 रुपए में मिलने वाला, और ये ऑफर है सिर्फ रक्षाबंधन के लिए। प्राइस क्या है इनका? ये 10 रुपए है, ये 5 रुपए है। सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में? बहुत अच्छा लग रहा है, और शाम के वक्त आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ चीजें देख लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत भी शॉपिंग है, बिल्कुल अच्छे प्राइस पे है तो ले लेते हैं यहाँ। कॉटन कैंडी जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो बेचारी की शेप अच्छी नहीं आई, बट मैंने ट्राई किया, उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। भाई सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, और साथ के साथ ये भी बताइए कि कहाँ पर हैं हम। चलिए आप अंदाजा लगाइए, लेकिन उससे पहले फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ, फिलहाल मौजूद है पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ पर एक बार फिर से लग चुका है ट्रेड फेयर। और इस बार के ट्रेड फेयर में क्या खास होने वाला है कि जैसा कि आप सबको पता है कि 10 और 11 तारीख को 2 दिन जो है रक्षाबंधन है, और साथ के साथ जो है जन्माष्टमी भी है। तो इस बार के ट्रेड फेयर में मनाया जाने वाला है जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का महोत्सव। शनिवार की अगर मैं बात करूं, शनिवार को शाम को जो है ये ट्रेड फेयर स्टार्ट हो चुका था, और आज यहाँ पर क्या कुछ मस्ती धमाल हो रही है, क्या कुछ यहाँ पर नया शॉपिंग के लिए आया है, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए अंदर लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ कि जो इस बार यहाँ पर गोल्डन टेम्पल का जो यहाँ पर रूप लिया है इस गेट ने, तो आप देख सकते हो गोल्डन टेम्पल यहाँ पर इस बार कारीगरों ने बनाया है। हर बार अगर बात की जाए ट्रेड फेयर की मेन एंट्रेंस की, तो मेन एंट्रेंस ही जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पर नया होता है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाया गया था, टाइटेनिक यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आ रही हूँ वो है गोल्डन टेम्पल। हिसार में बैठे बैठे ही आप घूम रहे हैं गोल्डन टेम्पल में, तो चलिए अब थोड़ा सा आपको अंदर लेके चलती हूँ और यहाँ पर दिखाती हूँ कि इस बार के ट्रेड फेयर में क्या कुछ जो है मस्ती धमाल, क्या कुछ शॉपिंग के लिए, और कैसे कैसे खतरनाक झूले जो है इस बार के ट्रेड फेयर में लगे हुए हैं। क्योंकि झूलों शॉपिंग के लिए देखिए स्टॉल्स वही सेम होती है, वही आपको कपड़ों के लिए मिलेगा, वही आपको जो यहाँ पर अलग अलग जो है शोपीस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वुडन का भी आपको मिलेगा, लेकिन जो झूले होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है यूनिक और कुछ ना कुछ डिफरेंट और डरावने ज़रूर होते हैं। तो जिनको भी झूलों का शौक है वो लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार भाई आ जाइए और देख लीजिए, मेरे साइड में आपको दिखाऊंगी जैसे ही एंट्री हो रही है, भी सेल्फियां भी क्लिक की जा रही है यहाँ पर, तो इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले सुनिए मैम, आप घूम चुके हैं ट्रेड फेयर को? हाँ जी बिल्कुल घूम चुके हैं। कैसा लगा ट्रेड फेयर? बहुत अच्छा लगा है। पहले भी जैसे हिसार में लगते रहते हैं, तो पहले वाले कभी ट्रेड फेयर जो अटेंड किया आपने? हाँ हाँ पहले वाले भी किया, हर बार ही आते हैं हम जब भी। इस बार क्या ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगी? अब की बार भी है, झूले हैं, बहुत अलग भी आए हैं, तो सब अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए भाई यहाँ पर जो आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं, जिनसे जिनसे बातें करते जाएंगे और आगे अभी भी दिखाया आपको, कि इनका कहना कि ट्रेड फेयर इनको बहुत अच्छा लगा। और अब थोड़ा सा आपको दिखा देते कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए जो है क्या कुछ नया स्टॉक आया हुआ है कपड़ों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लेडीज़ हों, सबको जो है सबसे ज़्यादा क्रेज़ किस चीज़ का होता है, वो है कपड़े। तो देख लीजिए क्या कुछ नया जो है इस बार ये लोग लेकर के आए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? अपने हिसाब से आए हैं और ओनली 100 रुपए टॉप रखे जी। अच्छा, कोई भी इनमें से कोई भी पीस उठाइए जो हैंगिंग में है उनमें से भी? हाँ 100 रुपए और 150 रुपए कर। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि अभी जो है ट्रेड फेयर स्टार्ट हुआ है इसलिए आपने ये प्राइस रखे, या फिर आगे रेट बढ़ा दें? ये रक्षाबंधन के ऑफर पर ये रेट रख रखे, ये मार्केट में ये 200 रुपए का पीस है, 200 का 300। भाई देख सकते हो जितने भी यहाँ पर टॉप है, चाहे वो हैंगिंग में है चाहे वो नीचे टेबल के ऊपर रखे हुए, हर एक टॉप आपको 100 रुपए में मिलने वाला, और ये ऑफर है सिर्फ रक्षाबंधन के लिए, सिर्फ रक्षाबंधन पे ही आपको जो है ये टॉप 100 100 में मिलने वाले। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन आया है,
तो राखियां ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हो सभी की सभी जो यहाँ पर राखियां भी लगी हुई हैं। सर से पूछते हैं, सर क्या प्राइस गया है इनका? ये 10 रुपए है, ये 5 रुपए है। सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में? भाई आपको अगर जितने भी टॉप हैं ये 20-20 रुपए के, और जो राखियां हैं ये 5 रुपए और 10 रुपए की है, यही राखियां आपको मार्केट में जो है 50-100 रुपए से कम की नहीं मिलने वाली है। और ये राखियां आप देखिए यहाँ पर आकर अगर आप खरीदते हैं तो आपको मिलने वाली है सिर्फ 5 रुपए की और सिर्फ 10 रुपए की। 5 और 10 रुपए में देखिए आज के टाइम पे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को फायदा होने वाला है। एक तो आपको राखी मिल जाएगी, दूसरा राखी बांध के आगे से भाई की तरफ से गिफ्ट भी मिल जाएगा। तो गेम्स भी है यहाँ पर, रिंग वाले गेम भी है, देखिए यहाँ पर खेल भी रहे हैं लोग किस तरह से। सर कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर में आगे? बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा कहाँ से आए हैं आप? हिसार में। कहाँ से? 33 सेक्टर में है। अच्छा सेक्टर 33 से ये लोग आए हैं ट्रेड फेयर का एंजॉय लेने के लिए। देख एक चीज़ तो मैं हिसार वालों की ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ट्रेड फेयर हर महीने 1.5 महीने 2 महीने में यहाँ पे लग ही जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हो यहाँ पर जो है लोगों का क्रेज़ ख़त्म नहीं होता है ट्रेड फेयर देखने के लिए। एक सर भी हैं जो बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कहाँ से आए हैं आप? मैं हिसार से हूँ। हिसार में किस एरिया से? रेड स्क्वायर मार्केट। रेड स्क्वायर मार्केट से, तो आपके लिए तो बिल्कुल ही पास है ट्रेड फेयर, पैदल ही चल के आ जाते होंगे। जैसे फर्स्ट जाते हैं पूरा दिन पढ़ के तो यहाँ आ जाते हैं शाम को। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी मैं स्टूडेंट। चलिए क्या कर रहे वैसे स्टडीज में? मैं HCS की तैयारी कर रहा हूँ। ओके भैया, आप तो वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं। तो चलिए ये बताइए कि बिल्कुल पास ही है, घूमते फिरते यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर? बहुत अच्छा लग रहा है, और शाम के वक्त आधा घंटा एक घंटा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ चीजें देख लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत भी शॉपिंग है बिल्कुल अच्छे प्राइस पे है तो ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा रक्षाबंधन भी आ रहा है जैसे कि, तो रक्षाबंधन पे जा नहीं रहे अपने घर? नहीं अभी कल जा रहे हैं हम। क्या गिफ्ट लेके जा रहे हो बहन के लिए? राखी लेके जा रहा हूँ, बाकी उनके लिए एक चॉकलेट मंगवा रखी है अच्छी वाली। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से 50-50, 100-100 रुपए के टॉप लेके जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से वैसे ये आपके लिए सस्ता ऑफर है। क्या बात है, वो अलग बात है कि चलो मैं कहीं और से परचेज कर पाता हूँ, लेकिन ये उनके लिए ना जो नहीं परचेज कर पाते बाहर से इतनी कॉस्टली चीजें, उनके लिए अच्छी बात है, लो प्राइस पे अच्छी बात। चलिए क्या बात है, आपकी जो सोच है उसको हम वाकई में सैल्यूट करते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ, और आगे क्या चीज है इस बार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, तो पहले भी यहाँ पर रिंग्स का जो है वो गेम था, उसके अलावा यहाँ पर जो है एक नया गेम जो है देखने को मिल रहा है, बॉल्स के साथ जो है जितनी भी बॉल है इनको जोड़ करके आपको कोई जो भी नंबर आपको मिलने वाला है वो नंबर अगर यहाँ पर हुआ तो आपको वही सामने जो नंबर आपको मिलेगा उसी से आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है। इस तरह के काफ़ी सारे जो है गेम भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। खेल कूद बहुत हो गया, उसके बाद चलते हैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। अब अगर गर्मियाँ हो, गर्मियों में अगर रबड़ी फलूदा या फिर काला खट्टा ये ना खाया तो भाई क्या ही खाया। तो देख लीजिए अगली स्टॉल के ऊपर मैं आपको लेकर के आई हूँ, जहाँ पर आपको मिलने वाली है हिसार वालों की स्पेशल तिल्ला कुल्फी, और दूसरा आपको मिलेगा सिकंजी, नींबू सोडा और नींबू लेमन। इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पसंद किया जाता है। साथ के साथ आगे भी थोड़ा सा घूम लीजिए यहाँ पर आप, जैसे कि बाहर जब हम निकलते हैं, जब इस तरह के एरिया में हम आते हैं ट्रेड फेयर वगैरह में, किसी मेले में हम आते हैं, तो कुछ ही चीज़ें होती है जैसे पाव भाजी हो गया, मंचूरियन हो गया या फिर चाउमीन हो गया, लेकिन बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पसंद होती है वो होती है कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, और यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो भाई यहाँ पर ज़रूर पहुँच जाइए, आपको यहाँ पर आपकी मनपसंद आइसक्रीम भी मिलने वाली है, जो भी फ्लेवर आप चाहे मदर डेयरी की यहाँ पर आपको आइसक्रीम मिलने वाली है। साथ के साथ आप देख लीजिए सभी यहाँ पर आपको जो है चिप्स, कुरकुरे और जो भी चाहते हैं आप वो खाने को मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़कर आपको दिखा देते तो भाई बर्गर के ऊपर हम पहुंच गए हैं, चाउमीन भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और हर बार जो चीज़ हम ज़रूर आप लोगों को दिखाते हैं और हमें खुद को भी बहुत पसंद आती है वो होती है, पहले तो देखो भाई बुड्ढी के बाल कहते थे इनको, अब इनको चाहे कुछ भी कहने लग जाओ वो जा लेते, क्या कहते हैं सर? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी कहते हैं भाई, लेकिन जिनको पता है बुड्ढी के बाल में कहने में जो स्वाद आता है ना वो कॉटन कैंडी में नहीं आता, कॉटन कैंडी आजकल के बच्चों के लिए होता है। भाई हमारे टाइम पे तो ये बुड्ढी के बाल ही होते थे और हमें तो वही बहुत अच्छा लगता था। सर एक बना के दिखा दीजिए,
तो ये भी देख लेते हैं कि ये बनता कैसे, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मुझसे भी बन जाए। तो जैसा भी बने आप लोग बस उसको लाइक कर देना। देखते शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जो है जो तिल्ली जो इसके अंदर, जिसके अंदर वो कॉटन कैंडी लिपटी हुई होती है, सर ने उसको काटा है बीच में से। बीच में से क्यों काटा है इसको? इसके अंदर आकर के ये चिपक जानी है, मेरे फिर घूमेगी नहीं। ठीक है, चलिए मुझे भी बताइए, मतलब मुझे बताते जाइए, मैं वो करूँगी। अच्छा भाई, मशीन जो है, देखिए प्रोसीजर जो है शुरू हो चुका है, मशीन चल चुकी है और वहाँ से अभी शुरुआत होने वाली है। किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से ये चीज़ जो भी प्रोसीजर होता है वो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ साथ के साथ। भैया ये जो साइडों में निकला ये क्या है? ये जाला होता है इसका, कैंडी का। अच्छा, इसी से ये बनती है। तो एक बात बताइए, अभी तक तो ना ही तो आपने इसके अंदर कुछ डाला, ना ही हमने देखा, तो चिपकाया क्या हुआ है? इसके अंदर चीनी डली हुई है। अच्छा, चीनी डली हुई है, वो कहाँ है? इसके अंदर होता है, इसके अंदर चीनी होती है। हाँ जी, ये इसका प्रोसेस है बनाने के लिए। ये लो भाई, कॉटन कैंडी जो है बननी शुरू हो गई। मेरी तो चिपक भी रही है बीच बीच में से, पता नहीं कैसे। अच्छा, घुमाते रहना है इसको। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लगा लो, घुमाते रहना है इसको इस तरह से, थोड़ा बचा कर रहा हूं साइड। अच्छा, एक कॉटन कैंडी कितने की दे रहे हो आप? 20 रुपए प्राइस है भाई। 20 रुपए जो है मैंने कमा लिए हैं, जल्दी से आ जाओ और 20 रुपए की एक कॉटन कैंडी आप मुझसे लेके जाओ। चलो, मेरी अच्छी नहीं बनी, शेप उतनी अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं 10 रुपए में भी आपको दे दूंगी। बस बन गई। कितनी लंबी, कितनी बड़ी बनानी होती है ये? हो गई, चलो भाई और बनाता हूं। रुके, पहले देख लीजिए मेरी फर्स्ट एवर कॉटन कैंडी जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो बेचारी की शेप अच्छी नहीं आई, बट मैंने ट्राई किया। उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देख लीजिए कॉटन कैंडी जो है, हर ट्रेड फेयर में आपको कॉटन कैंडी ज़रूर मिलेगी आपको खाने के लिए, और बच्चों की जो है फेवरेट होती है। भैया मेरे लिए ये क्या बात है भाई, एक कॉटन कैंडी जो है मुझे मिल गई। वीडियो बनाने का एक फायदा हो गया कि एक कॉटन कैंडी मुझे मिली है। भाई आई लव चंडीगढ़ आपने देखा होगा, आई लव एमियंट भी आपने देखा होगा, लेकिन आई लव हिसार जो है आप देख पा रहे हो इस बार ट्रेड फेयर में। और कौन कौन इस बात से एग्री करता है, कौन कौन ये कहता है कि वो भी वाकई में जो है हिसार से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, तो साथ के साथ कमेंट भी ज़रूर करते रहना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और देख लीजिए आई लव हिसार का यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, यहाँ पर खड़े होकर के आप बड़ी अच्छी अच्छी बेहतरीन जो है सेल्फियाँ भी ले सकते हैं। और मैं दिखा भी रही हूँ आपको कि देख लीजिए किस तरह से जो है लड़के यहाँ पर सेल्फियाँ भी क्लिक करवा रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हाँ, हिसार से। हिसार में कहाँ से, कौन से एरिया से? चंदूलाल गार्डन से जी। अच्छा, ट्रेड फेयर कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा जी। आपको कैसा लग रहा है ट्रेड? बढ़िया लग रही है जी। क्या चीज़ जो है सबसे अलग लगी इधर? अलग तो जी, यही अलग है, आई लव हिसार। आई लव हिसार। अच्छा, वाकई में कितना प्यार करते हो हिसार से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आप अपने बता दीजिए कहाँ से आए आप? बालसम से। बालसमंद से आए, आप कहाँ से आए? शीशवाड़ा से जी। अच्छा, क्या बात है भाई, बालसमंद शीशवाल जो हिसार के आसपास के गांव है वहाँ से भी इस समय लेट नहीं हो गए आप लोग, या यहीं पर रहते हैं? ड्यूटी पर आए हैं जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? मिराज सिनेमा जी। अच्छा, मिराज सिनेमा से आए हैं, तो मिराज सिनेमा में भी इस तरह से जो है आई लव एम्बिएंट के नाम से भी ऐसा कुछ बनाया हुआ है ना। अच्छा चलो, एक साथ के साथ एक और बात बता दीजिए, रक्षाबंधन आ रहे हो तो अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हो? बहन के लिए तो जी, आज तक कोई ऐसा स्पेशल गिफ्ट आपने दिया हो जो उन्होंने मांगा और आपने दे दिया हो? हाँ जी, दिया है, कुछ भी मांगे है, कोई फोन फान मोबाइल भी दिए जी। कैसे भाई हैं आप? एक होते ना कि जैसे खड़ूस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर बहुत फनी, बिल्कुल फ्रैंक जो है भी अपनी बहन को जिंदगी जीने देने वाले, कैसे भाई हैं आप? फनी है जी, बिल्कुल, ये आपको देखकर ही लग रहा है सर कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा फनी है। तो चलिए थोड़ा सा और आपको जो है घुमा देते हैं अपने ट्रेड फेयर में, क्योंकि शॉपिंग दिखा दिए हमने, काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, साथ के साथ झूले हमने आपको दिखा दिए कि काफ़ी खतरनाक यहाँ पर झूले हैं। लेकिन साथ के साथ एक और जो इंसान है उससे भी मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, जो इस बार, वैसे तो हमारे हिसार की आन बान और शान है, हमारे सिटी विग न्यूज़ की जान है, साथ के साथ अगर इस बार के ट्रेड फेयर की बात करें तो भाई ये है हमारे एंकर, जो इस बार के ट्रेड फेयर में जिन्होंने समा बांधा हुआ है, जितने भी यहाँ पर ऑडियंस है उन सभी को अपने साथ जो है जोड़ के रखा हुआ है। चलिए पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, ये है हमारे साथ हमारी अंकिता जी, जो हम सबकी बहुत चहेती है। कैसा लग रहा है इस बार ट्रेड फेयर में?
बहुत मस्त। आपके पास जो है फैमिली सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही है। लिटरली क्या होता है कि आपके पास स्कूल इज गोइंग, बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं, बट आपके पास फैमिलीज भी उतना इंजॉय कर रही हैं, बच्चे भी उतना इंजॉय कर रहे हैं। सो ओवरऑल सबकी इंजॉयमेंट जो है इक्वल यहाँ पे हो रही है। जिस तरह से जो है आप यहाँ पर, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो कोई जोक्स हैं या फिर परफॉर्मेंस है, किस तरह से जो है ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स कर रही है? पहले ऑडियंस वाकई बहुत रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। लिटरली अभी जैसे मैं यहाँ राउंड लगा रही थी तो 3-4 लोग आकर के पूछ के जा चुके हैं, मैम डांस कितनी देर में स्टार्ट होगा, मैम परफॉर्मेंसेस कितनी देर में स्टार्ट होंगे। सो लिटरली लोग उन परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए, डांस करने के लिए भी स्पेशल जो है हर रोज टिकट लेकर के जो है मेले में आ रहे हैं। भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर के जो भी आपका टैलेंट है, चाहे आपको एक्टिंग अच्छी आती है, चाहे आपको मिमिक्री अच्छी आती है, चाहे आपको डांस अच्छा आता है, कुछ भी आप जो है यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर आकर के कर सकते हो। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कभी भी जज नहीं किया जाएगा, हमेशा आपके लिए तालियाँ ही बजाई जाएंगी। तो चलिए थोड़ा सा और मैं आपको लेकर के चलती हूँ, ऊँट की सवारी। भाई अगर किसी को करनी है तो आ जाइए हमारे ट्रेड फेयर में ऊँट की सवारी करने के लिए। चले थोड़ा सा और बच्चों के लिए, जैसे कि स्विमिंग का बड़ा क्रेज होता है बच्चों का, कुछ और भी है हमारे साथ, ऑडियंस भी है जो हमारे यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते। कहाँ से आए मैम आप? हम तो हिसार से ही मैम। हिसार के किस एरिया से? ठंडी सड़क से। अच्छा, कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर में आप? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कल रक्षाबंधन है और आप जा नहीं रहे? नहीं मैम, मैं आई हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप अपने मायके आए हुए हैं, तो ये भी बता दीजिए कि क्या गिफ्ट जो है आपके ब्रदर से आपको मिलने वाला है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पता, कल ही पता चलेगा। बताया नहीं आपको कुछ भी? आप क्या लेकर के आई है अपने भाई के लिए? मैं भी परसों ही लेके आऊंगी। परसों ही लेकर के आएंगे तो आपको, आप तो मेरे ख्याल से पहले ही सेटअप अपना कर चुके होंगे, थोड़ा बहुत सेटिंग कर चुके होंगे कि मुझे ये दे देना वो दे देना, क्या मांगा? सच सच बताना। अभी तो कुछ भी नहीं मांगा। कुछ भी नहीं मांगा? क्या रक्षाबंधन के बाद मांगने वाली है? वो तो जब देखो इनकी। वो पापा देंगे या फिर भाई ही देगा? पापा ही देंगे, ये नहीं देते। कहाँ है आपके ब्रदर? कहाँ है मेरे ब्रदर? अभी तक यही थे, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं भाई, देख सकते हो फैमिली जो है यहाँ पर आई हुई है, कोई अपने मायके आया हुआ है और कोई कल परसों में अपने मायके जाने वाला है, तो सभी के सभी जो है रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जितना मुझे सुनने में आया है कि इस बार यहाँ पर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के ऊपर काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं आप सभी के लिए, लेकिन वो सरप्राइजेज क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब आप पहुंचेंगे ट्रेड फेयर में। जब आप ट्रेड फेयर को आकर के देखेंगे, इंजॉय करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कुछ जो है नया और क्या कुछ सरप्राइजेज जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर है। तो जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर एक बार तो आप लोगों का आना जरूर बनता है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर झूले भी है, यहाँ पर बोटिंग के लिए भी आप आ सकते हो, और बड़ों के लिए जो है खतरनाक झूले भी यहाँ पर है। जितनी भी यहाँ पर शॉपिंग की स्टॉल्स है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। और वापस से आपको मैं बता देती हूँ कि जो है स्टेज शुरू हो चुका है, यहाँ पर अभी अपनी परफॉर्मेंसेस जो है शुरू होने वाली है। साथ के साथ कमेंट करते रहिए, साथ के साथ बताते रहिए कि कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अभी जो है सारी चीज़ें, सारा सेटअप जो है अच्छे से बना नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 4 ही दिन हुए हैं अभी ट्रेड फेयर को स्टार्ट हुए, और साथ के साथ बीच में आ गया है रक्षाबंधन भी और जन्माष्टमी भी। फिर भी कोशिश करके बहुत कुछ अलग जो है लाने की कोशिश की गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, और साथ के साथ बताते रहिए कि कहाँ से आप लोग RSN एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।